हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर मेंटर नवीन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम करवा रहे हैं कॉमर्स के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की तैयारी, वो भी पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया था। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्राइवेट फॉर्म्स की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की कितनी फॉर्म्स हैं और उन फॉर्म्स को हमने एक एक करके सबको डिस्कस किया है। अब तक हम पार्टनरशिप, सोलो प्रोप्राइटरशिप और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टॉपिक को पढ़ चुके हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम हमारी पढ़ते हैं फोर्थ फॉर्म के बारे में, जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने जो टॉपिक आज का है वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। नाम से ही क्लियर होता है कि कोऑपरेट कर चलना है, एक दूसरे के साथ सहयोग कर चलना है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं सहकारी संगठन, मिलकर काम करने वाले संगठन। कोऑपरेटिव सोसाइटियां इंडिया में इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत बनाई जाती हैं। दोस्तों, इस एक्ट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इसी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्रिंसिपल पर काम करती है फ्रेंड्स, और प्रिंसिपल है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, सब एक सब के लिए और सब एक के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी क्लियर किया कि ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, यहां सहकारिता का मूल्य लिया जाता है, जहां सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटियां ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच के सिद्धांत पर काम करती है। इससे भी परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मेंबरशिप की, तो आपको पता होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए मिनिमम 10 मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं। मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट अभी तक नहीं बताई गई है। दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि मिनिमम 10 मेंबर लिए जाते हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्मेशन में लाने के लिए। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कैपिटल लगाई जाती है फ्रेंड्स, तो कैपिटल ऑफ ए सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू शेयर्स। तो ये इस सोसाइटी को बनाने के लिए जो कैपिटल, जो पूंजी की आवश्यकता होती है, वो इसी के मेंबर्स से रेज की जाती है, और वो भी शेयर के थ्रू रेज की जाती है। आप जितना शेयर कंपनी में सोसाइटी में लेना चाहेंगे, उस शेयर के अकॉर्डिंग ही आपकी कैपिटल डिटरमिनेट की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसी वीडियो में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। तो देखिए, आपके सामने लिखा है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मेंबरशिप से आप क्या समझते हैं कि आप अपनी इच्छा से कैसे भी कभी भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने साफ शब्दों में लिखा है कि ए पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन। एक पर्सन फ्री मतलब फ्री माइंड है, वो कभी भी ज्वाइन कर सकता है, कभी भी इसे छोड़ सकता है। इसके लिए कोई बाध्यता, कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये वॉलेंट्री मेंबरशिप है, आप जब चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी आज की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जो है लीगल स्टेटस। जी हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक लीगल स्टेटस पे काम करती है फ्रेंड्स, क्योंकि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया है कि ये इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अधीन काम करती है। तो जब कोई भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, या सेकंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, विच इज लिमिटेड लाइबिलिटी। मैं आपको पहले भी कुछ वीडियोस में लाइबिलिटी का लिमिटेड और अनलिमिटेड के कॉन्सेप्ट पर बात कर चुका हूं। जब हम लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं, जब आपके लोन रिपेमेंट को पूरा करने के लिए आपके पास आपकी बिजनेस की एसेट्स सेटिस्फेक्शनरी पूरी नहीं कर पाती, तो आपकी पर्सनल असेट्स को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, विच वी कॉल द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहां पर बात हो रही है कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी है, इट मीन दैट जैसा कि हमने सुना है कि कैपिटल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैपिटल इन्वेस्ट होता है वो थ्रू शेयर्स होता है। तो जितना शेयर आपने लिया है, कल को लॉस होने पर उतने ही शेयर की लिमिटेड अमाउंट तक आप अपनी लोन की पेमेंट को देंगे, डेब्ट की पेमेंट को कवर करेंगे। इसलिए इसकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है एट
द इक्वल टू योर शेयर्स होती है. ओके, एंड द लास्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी सर्विस मोटिव. मैंने आपको पहले ही बताया ये सहकारी संगठन है दोस्तों, ये लाभ कमाने पर नहीं ध्यान देते, ये सहकारिता पर ध्यान देते हैं. तो इनका मोटिव जो होता है वो सर्विस डोमिनेट करती है. इसकी जो वैल्यूज है, जो इसमें मूल्य लिए जाते हैं, वैल्यूज ऑफ म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की सहायता करने का मूल्य इसमें लिया जाता है, और ये सर्विस मोटिव्स पर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिनिमम 10 लोग मिलकर के मीडिएटर्स को हटाने के लिए, बेसिकली मीडिएटर्स को हटा करके मैन्युफैक्चरर से सीधा सामान कस्टमर तक लाना चाहते हैं, ताकि कोई भी मीडिएटर्स नहीं हो, कस्टमर को कोई भी चीज अतिरिक्त महंगी रेट पर ना मिली हो, अच्छी क्वालिटी की मिले. इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाया जाता है 1912 एक्ट के तहत, और ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच के प्रिंसिपल पर काम करती हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस कंसेप्ट से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझ में भी आ गया होगा. दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैरिट और डीमेरिट क्या हो सकती है. तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.